गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज हम करने आए हैं ऑफ रोडिंग अपनी फॉर्चुनर जो कि है 4x2 और तुषार भाई की है 4x4 थार। अब हम यहाँ से निकालेंगे अपनी फॉर्चुनर को और थार को भी। गाइज मुझे तो लगता नहीं अपनी फॉर्चुनर निकल पाएगी क्योंकि 4x2 है। तुषार भाई लेके जाएंगे पहले। भाई अभी निकालेंगे तुषार भाई 4x2 में, अगर फंस जाती है तो 4x4 में निकालेंगे। ये जा रही है गाइस अंदर, आगे से दिखाऊंगा आपको। आप देख सकते हो भाई, भाई मुझे नहीं लगता अगर गाड़ी में जान रहे हो। ये 4x2 में देखो गाइस अपनी मॉन्स्टर थार निकल चुकी है। गाइस 4x2 में निकल गई है अपनी थार। तो हम अपनी लाएंगे अब फॉर्च्यूनर को। फॉर्च्यूनर वो खड़ी, अब वो 4x2 में निकल गई है तो इसे निकल ही जाना चाहिए। चलो चेक करते हैं। गाइस ये देखो फॉर्च्यूनर का तगड़ा लुक आ रहा है, तो चेक करेंगे अब अपनी 4x2 में निकलेगी क्या नहीं। तो गाइस आ रही है अपनी फॉर्च्यूनर। क्या आवाज आ रही है मेरे को कहीं से? भाई देखते हैं, तो एट्रैक्शन वगैरह भी हमने ऑन करवा लिया, तो देखते हैं अब निकलेगी क्या नहीं। भाई पावर मोड वगैरह सब ऑन करवाएंगे। भाई पावर मोड ऑन कर दियो, तो पावर मोड भी ऑन कर लेंगे। तो भाई जा रही है अपनी डेविल फॉर्च्यूनर आराम से, तेज नहीं भाई, आराम से जाएगी। इधर का ये देखो टायर स्लिप स्लिप कर रहा है। वहां से आ रहा तू, यहां से ले रहा है? मैंने ऐसे ली, यहां से लेंगे भाई अपने। फंस गई ठीक है, देखते हैं गाइस पीछे जाएगी क्या नहीं। फंस गई है लगता है अपनी गाड़ी। ले ले ले, जा रही है गाइस, इधर टायर फ्लिप कर रहा है। ऐसे कर, ऐसे कर, अब ले। ये देखो 4x2 लेके भाई, भाई देखो बंद होगी भाई। गाइस ये तो क्या करें भाई, ये अब पीछे जाने की कोशिश, और एक टायर देखो स्पिन मार रहा है। तेज दियो थोड़ा, एकदम तेज प्रेशर दो, एकदम दियो एकदम से तेज प्रेशर। आगे पीछे पावर मोड लगा दें भाई, पावर भी लगा लिया, फंस चुकी है गाड़ी अपनी मस्त। भाई वहां पे और गहराई है बता दूं, और गहराई है। हां भाई देखो यहां पे फॉर्च्यूनर तो पहले ही बैठ गई भाई, बहुत गंदी फंस चुकी है अपनी फॉर्च्यूनर, और ये अपने गर्व भाई डर चुके हैं। अब तुषार भाई लेके जाएंगे अपनी फॉर्च्यूनर को। तुषार भाई कोशिश कर रहे हैं अपनी गाड़ी निकालने की। ये देखो अपनी वहाँ पे खड़ी थार, टोचन का पट्टा भी है अपने पास। तुषार भाई ने गाड़ी स्टार्ट करी भाई, देखते हैं निकलते नहीं निकलते। भाई मुझे तो लगता है कि निकल जाएगी, करवानी पड़ेगी भाई गाड़ी। नहीं नहीं बैठ, साइड में दबा के लगाना पड़ेगा, दबा। हाँ लग गया। ये तुषार भाई पूरी कोशिश के साथ। भाई तुषार भाई मेरे को निकल तो जाएगी। तुषार भाई बहुत तगड़ी जान लगा रहे हैं अपनी फॉर्च्यूनर की। गाइस 4x2 भी इतनी गंदी स्लिप मारेगी। अब तुषार भाई आगे की साइड से ट्राई करेंगे। पूरी कोशिश चल रही है, निकल नहीं रही अपनी फॉर्च्यूनर। अब राइट में लगाने की कोशिश, अब अपनी थार आएगी अपनी फॉर्च्यूनर को निकालने के लिए। मैंने दो टायर वहाँ रखी हो। गाइस हम उधर की साइड से निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो गाड़ी तो देखो यहाँ से दब चुकी है। ये देखो और आगे भी धस चुकी है, और यहाँ पे अब हम टोचन करेंगे अपनी फॉर्च्यूनर का। तो चलो चेक करते हैं अब। भाई अपनी फॉर्च्यूनर पक्की फंस चुकी है, और अब अपनी आएगी थार जो कि आएगी निकालने हमें। तो गाइस देखते हैं अब। गाइस मैंने एक चीज देखी कि थार 4x2 निकल गई और ये नहीं निकली, क्योंकि इसमें वेट बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट क्या डबल ही है थार का। तो अब देखते हैं गाइस अपनी थार आएगी और फिर देखते हैं निकल पाती है कि नहीं।
ये देखो आ रहा है, अब अपनी थार आ रही है, थार निकाल लेगी अब इसको। भाई थार का तो अलग ही मजा है। खैर इसके टायर भी बहुत ज्यादा भारी हैं और हल्की गाड़ी है। ये देखो, ये देखो थार अपनी 4x2 बंद हो चुकी है। अब तो शार भाई क्या पता लगाएं 4x4। 4x2 हो चुकी है, 4x4 में निकाली है तुषार भाई ने अपनी गाड़ी। अब 4x2 भी एक टाइम के लिए रुक जाती है। ओ हो 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 हो, गाइस 4x2 भी फंस चुकी है, 4x2 भी फंस चुकी, 4x4 फंस चुकी है गाइस। ओहो मजे से आ गए गाइस। देखो यहाँ से अब 4x4 का बैठ चुका है टायर। अब देखते हैं गाइस क्या होगा अपने साथ। 4x2 फंस चुकी है, 4x4 फंस चुकी है, तुषार भाई की पूरी जान। गाइस लगता है अपनी थार लगेगी अब फॉर्च्यूनर में जाके, ज्यादा डिफरेंस नहीं बचा। भाई स्वाद आ रहे हैं यार ऑफरोडिंग में। अब जा रही है अपनी बैक थार और हम अब अचानक से, ओहो हो गाइस 4x4 भी फंस चुकी है। 4x2 तो क्या ही करती, अभी एक्सट्रीम पे गए नहीं हमने स्टार्टिंग में ही। ये देखो ओहो हो स्वाद आ रहा है गाइस। गाइस मुझे लगता है अपनी फॉर्च्यूनर जाएगी या तो थार जाएगी। एक फॉर्च्यूनर पे फंस चुकी है थार भी। ये देखो ओहो हो थार अपनी पूरी पावर लगाते हुए, ये थार निकल चुकी है। अब अपनी फॉर्च्यूनर निकालने की बारी है। अपनी रस्सी टोचन की, भाई टोचन की बेल्ट निकाल लिया तो अब देखो अब लगाएंगे हम टोचन में। एक काम कर इसको ना, भाई तुषार भी डर गया, इसकी गाड़ी थी मैं ज्यादा एक्सेलरेट भी ना कर सका। गाइस देखो अब टोचन की रस्सी लगेगी मस्त एकदम। ये टोचन लगाया जा रहा है अपनी गाड़ी में। इस पता चलेगी अब, मेरे को लग रहा है वैसे ले जाएगी, लेकिन अगर ये थोड़ी ना मिट्टी वाली जगह है तो यहाँ पे भी अपने थार के टायर सेकंड में ले जाएगी मेरे को पता है। तो देखते हैं आप भाई, देख लो यार गाड़ी फंस चुकी है और सब लोग आ चुके हैं। भाई टोचन की बेल्ट लग चुकी है, गाड़ी पीछे लाओ, बताइए कितनी गाड़ी पीछे लाओ। तो अब तुषार भाई लेके जाएंगे अपनी गाड़ी को और खींच के। तुषार भाई ने अपनी गाड़ी भी स्टार्ट कर ली, अब टोचन की रस्सी के पास लेके जाएंगे हम अपनी गाड़ी को। भाई अब थार में लग रही है अपनी टोचन की रस्सी, तो देखते हैं अब क्या होगा। भाई अब लग चुका है, अब एक बार इसे टाइट वाइट कर लेते हैं, फिर निकले और दोनों गाड़ी आगे जाके पड़े तो देखते हैं। ट्रैक्टर वाले भाई भी रुक चुके हैं, नहीं तो नहीं निकलते तो भाई ट्रैक्टर वाले भाई हैं ही। चेक करते हैं भाई, ये भाई तुषार भाई के आप जूते भी देख सकते हो, 80,000 के, 80,000 के जूते। तुषार रिवर्स लगा, रिवर्स हाँ। भाई अब यहाँ पे हम स्टार्ट वगैरह और रिवर्स वगैरह देखते हैं अपने। आरपीएम हाई नहीं, नॉर्मल स्पिन नहीं होना चाहिए टायर। अब ये देखते हैं गाइस अपनी फॉर्च्यूनर हमने स्टार्ट वार्ट कर लेते हैं। भाई फॉर्च्यूनर अट्रैक्शन ऑफ और रिवर्स में टायर स्पिन नहीं करेंगे हम अपना। और ये देखते हैं गाइस असली मजा तो अब आएगा ऑफ रोडिंग का, थार खींच पाती है या फिर फॉर्च्यूनर। हाँ मैं थोड़ी पीछे आ गया, ये देखते हैं गाइस। तुषार भाई भी जान लगा रहे हैं और गाड़ी अपनी फॉर्च्यूनर खींच चुकी है। भाई स्वाद आ गया है,
मस्त एकदम ऑफ रोडिंग हुई है आज तो, अभी और भी करेंगे गाइस, वीडियो में बने रहे। गाइस फाइनली अपनी फॉर्चुनर निकल चुकी है, थार ने खींच लिया, तो अब देखते हैं गाइस आगे क्या होगा। गाइस ये अपना ट्रैक्टर है, इसे तो कहीं चढ़ा दो तो वहीं से ही निकल जाएगा। और बाकी हमने रस्सियाँ खोल ली हैं, तो आगे चलते हैं अब ऑफ रोडिंग पे। गाइस अब हम आ चुके हैं अपना मस्त एकदम छोटी मोटी ऑफ रोडिंग से, बाकी और हम आगे चलते हैं, देखते हैं ऑफ रोडिंग करेंगे क्या करेंगे। चलो तो गाइस ये जा रही है अपनी आगे थार, और यहाँ पे हम फॉर्च्यूनर में बैठे हैं। भाई ये चल रही है। गाइस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप फॉर्च्यूनर ले रहे हो ना 50 लाख रुपए की, तो गाइस 4x4 ही लो। गाइस ये हमें वैसे जल्दी जल्दी में निकलवानी थी, उस टाइम पे हमें गाड़ी में काम था, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी में जो गाड़ी मिली फॉर्च्यूनर ही लेनी थी बड़ी गाड़ी में, तो गाइस हमने यही निकलवा ली। तो अभी मैनुअल 4x2 डीजल, तो गाइस जा रही है आगे, जा रही है अपनी थार। अगर इस पे वीडियो पे अच्छे वो आते हैं गाइस रिव्यूज, तो मैं आगे जाके जो थार जा रही है उसका भी रिव्यू करूँगा। चलो अब गाइस आगे चलते हैं। रोडिंग की तो और वीडियो नहीं आ पाएगी, बिकॉज गाइस 4x2 एक सक्सेसफुल गाड़ी नहीं है, और 4x4 तो गाइस बात ही अलग है उसकी। तो गाइज अभी वीडियो का एंड करता हूँ, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और आप बता देना फॉर्च्यूनर बढ़िया लगी आपको या थार।